हमारे जो पांड्या स्टोर के घर वाले हैं ना, उन्हें भी नहीं मिलती है संडे वाली छुट्टी, क्योंकि देखिए इनकी कहानी में भी है अनलिमिटेड ड्रामा। एक ड्रामा खत्म होता है तो दूसरा रहता है रेडी। तो चलिए जानकर आते हैं घर वालों का हाल, लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर। स्टार प्लस की सीरियल पांड्या स्टोर में श्वेता ने फिर कर लिया है पांड्या हाउस में गृह प्रवेश, भाई वो भी अम्मा जी के पैरों में गिरकर और अपनी गलती का पश्चाताप करके। लेकिन भाई ये सब श्वेता की एक चाल है, अब उसे 50 लाख नहीं बल्कि क्रिश चाहिए, क्योंकि अब क्रिश बड़ा आदमी जो बन गया है भाई ये श्वेता है, और श्वेता को अब मुर्गी के अंडे नहीं बल्कि पूरी की पूरी मुर्गी चाहिए। तो वो अपनी 50 लाख में डिमांड क्यों पूरी करे। तो वहीं दूसरी तरफ रिश्ता का दिल टूट गया है, क्योंकि उसकी बेटी छुटकी ने रिश्ता को पहचानने से इनकार जो कर दिया है। जैसे आपने कहा कि खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, यही फीलिंग्स है। यही फीलिंग्स है, खुशी हो रही है कि चुटकी आ गई, दुख हो रहा है कि प्रेरणा वापस से चिपक गई। प्रेरणा क्या, रोशिता प्रेरणा कोई और है। हमेशा नामों में गड़बड़ करता है। श्वेता अब घर में आ चुकी है, कह रही है कि यहीं रहेगी और यहाँ पे रहेगी, और हमारे हीरे के साथ उसकी शादी अभी भी वापस इंटैक्ट है। तो वो चाहती है कि उसे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसे वो चाहती है कि उसे क्रिशु चाहिए, क्रिशु, ताकि वो सोने की मुर्गी को एक साथ नहीं काटना चाहती है, वो धीरे धीरे करके उसके अंडे लेते रहेगी। और हाँ, और प्रेरणा क्रिशु की जिंदगी में है। ओ माय गॉड, मतलब अब होने वाला है धुमताना। सी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रिशिता, बिकॉज उसने तो यही सोचा था कि जब वो आएगी मैं चुटकी को बहुत प्यार करूंगी, अपना सारा प्यार लौटा दूंगी, क्योंकि एट दी एंड उसकी पहली बच्ची थी। तो रिश्ता तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, क्योंकि उसने सोचा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, और चुटकी तो पहचान तो नहीं रही है, पर वो तो अभी भी उसी को मम्मा मान रही है, जो रिश्ता तो बहुत हर्ट हो जाएगी। और चुटकी पहचानेगी तो सिर्फ मुझे पहचानेगी, गोम्बी को, उसका प्यारा गोम्बी। ये जो भी नया आता है उसको अपने साइड पे लेने की कोशिश करता है, बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है कि मेरी साइड होगी। मैं भी जब नई नई आई थी तो मेरे को यही पूछा, तू क्या बोल रही है डायलॉग, अरे तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा साथ दे रही है। तो आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, एक्सपेक्टेशन के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। जो शो में आएगा वो देखिए, उसको पसंद करिए और एंजॉय करिए, और हमारी टीआरपी बढ़ाइए और शौक में रहिए हमेशा। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस हमेशा शौक में रहनी चाहिए। क्या ये क्या हो गया, वो ये क्या हो गया। मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां।